ये इसका यूजर मैनुअल है और इसके साथ ये वाला चार्जर है। ये जाएगा हमारा 25 तक टर्की जाए वो जाएगा। ठीक है यार, बहुत झंझट होता है ये ड्रिल मशीन का, जो वायर लगानी होती है बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तो इसके लिए हम ले आए हैं कोर्डलेस ड्रिल मशीन, जो कि ये वाला ले आए हम कोर्डलेस ड्रिल मशीन, तो जो कि हमने अमेजोन से परचेस की है। तो अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसकी। तो हम इसको पैकेज से निकाल लेते हैं पहले। ये देखो आप देख सकते हो बहुत अच्छी पैकिंग की है इन्होंने, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। पैकेजिंग देख सकते हो बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। तो ये वाली ड्रिल मशीन है जो कि जेप्टिक कंपनी की ड्रिल मशीन है, जो ब्रशलेस मोटर होती है ना वो वाली है। इसमें पैकेजिंग देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, पैकेजिंग अच्छी दी है। ये देखो कॉम्पैक्ट सा बैग दिया है, जो इसका अटैची है कॉम्पैक्ट सा है, देख सकते हो आप। ये वाली है ब्रशलेस कोर्डलेस इंपैक्ट ड्रिल डोल बैटरीज, इसका मॉडल है जेप्टी CD 20.1 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें हम जो भी हमारा सामान है वो भी रख सकते हैं, जो भी स्क्रू वगैरह है वो भी रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो ड्रिल मशीन है, जो JPT कंपनी की ड्रिल मशीन है। तो जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमने खुद से परचेज की है और हम यूज़ करने के लिए परचेज किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जो मेरे को ये वाली ड्रिल है अच्छी लगी है, तो इसीलिए हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महंगी नहीं है ड्रिल, बहुत कम प्राइस में है, जो कि हमारा 3,000 3200 3300 के आसपास में ये मिल जाएगी, आपको अमेजोन में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जहाँ से परचेज कर सकते हो। तो जो हमारे को ड्रिल का साइज बहुत अच्छा लगा, जो इसका बैग का साइज है बहुत बढ़िया साइज है, जो छोटा साइज है हम कहीं भी कैरी करके ले सकते हैं। तो ये वाली ड्रिल है देखो क्या हाल है इसका, जब बाहर निकालो कहीं लगाओ बहुत प्रॉब्लम होती है, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे काम में करने में। तो हम क्या करते हैं, कई बार तार लगाते हैं वहाँ पे लाइट भाग जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे सभी काम होंगे। तो आप देख सकते हो उसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैं पहले खोल के नहीं देखा, जो अभी खोल के देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसका यूजर मैनुअल है और इसके साथ ये वाला चार्जर है। तो एक और एक दो बैटरी इसके साथ हमको मिल चुकी है, जो कि 21 वोल्ट की बैटरी है। ये वाली हमारी ब्रशलेस कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और तो इसमें तीन ऑप्शन है, जो फर्स्ट वाला है वो हम स्क्रू के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये वाला टर्की काम करेगा। ये टर्की आप देख सकते हो, ये जाएगा हमारा 25 तक टर्की जाए वो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। तो जो सेकेंड वाला है वो है हमारा लोहे में होल करने के लिए, वुड में होल करने के लिए, उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है, जो थर्ड वाला है, वो हैम्बर का काम करेगा, जो हम दीवार में होल करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, इसे बहुत कम कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि कोई ना कोई कर सकते हैं हम। ठीक है, जो हमारा ये बहुत अच्छे से काम करता है, मैं पहले भी यूज़ करता था, हमारी ब्रशलेस मोटर नहीं थी, वो दूसरी थी। तो हमारे पास जो ड्रिल है वो 12 वोल्ट की भी ड्रिल पड़ी है, वो भी हम यूज़ करते हैं, बट उसका बैटरी बैकअप कम होता है, तो उसकी पावर जो होती है ना वो भी कम होती है, और उसके RPM भी कम होते हैं। तो आप देख सकते हो इसके RPM में, जब हम इसको इस साइड में 2 नंबर पे करेंगे तो इसके RPM कम हो जाएंगे, और जब हम इसको 1 नंबर पे करेंगे तो इसके RPM ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कम RPM में चलेगा 850, तो जो हमारा हाई RPM चलेगा 2250। तो अभी बारी है इसकी हम बैटरी फिट करें, तो बैटरी फिट करके देखते हैं। तो जैसे कि ये वाली बैटरी बहुत आराम से फिट हो रही है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखो LED लाइट जल पड़ी इसकी और बंद हो गई। ठीक है, तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है, कितना साउंड है, और इसका जो साइज आप देख रहे हो परफेक्ट साइज है, बहुत छोटा साइज है। कहीं पे भी हम जैसे काम करना होता है, छोटी जगह होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ी ड्रिल मशीन है वो नहीं घुसती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमको ये वाली बहुत काम की है, जो हमारी छोटी जगह भी होगी वो वहाँ पे भी चली जाएगी, कम से कम 8-9 इंची जगह में चली जाएगी, उससे ज़्यादा छोटी में तो मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसमें हमारा ये काम करेगा। तो हम इसको
ऐसे करेंगे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और हम इसको ऐसे करेंगे इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जो कम स्पीड में बहुत हाई टर्की चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो वो काम करेगी कम स्पीड में। तो जो हमको हमको जो कम पावर चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो हमको इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमको स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें थोड़ी सी पावर कम होगी, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी। प्रॉब्लम होती है जब हमने बहुत हाई लेवल का पेच लगाना होता है, तो उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्लो में जो होता है उसमें पावर ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इधर को करो तो लेफ़्ट में चलेगी, ठीक है, ये देखो इधर को करेंगे हम लेफ़्ट में चलेगी, और अब हम राइट में करेंगे तो राइट में चलेगी, ठीक है। लेफ़्ट को करेंगे तो लेफ़्ट, राइट में करेंगे राइट। और इसमें लॉक का भी फंक्शन है, जैसे हम ये चल रही है ना, इसको हम हल्का सा सेंटर में कर देंगे, दोनों के सेंटर में कर देंगे, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। वजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन सा वजन है इसमें। और इसमें एक चीज़ है कि ये हमारी लाइट जलती रहती है, जब हम बटन दबाएंगे 5 सेकंड के लिए ज़्यादा जलेगी, और 5 सेकंड के बाद में बंद हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ है जहाँ पे इंडिकेशन लाइट दिया हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी बैटरी परसेंटेज कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अभी मैं चलाऊँगा तो इसका परसेंटेज शो होगा, ये देख तीनों लेवल फुल है, तो इसका मतलब इसकी बैटरी अभी फुल है। ये वाला हमारे पास चार्जर है इसका 21 वोल्ट, ये वाली पिन हमारी जहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम वुड में होल करके देखेंगे, तो हम ले रहे हैं ये वाला बिट, 6 mm का बिट है, ये लोहे में भी होल कर देता है, ठीक है। इससे हम वुड में होल करके देखेंगे, तो अभी हम इसको लगा के ऐसे करके इसको बिट लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, और ये हाथ से टाइट होगा, ये हाथ से ही टाइट होगा, इसको कोई चाबी नहीं लगेगी, कीलेस है। इसमें हम होल करेंगे, अभी इसका आरपीएम कम है, अभी हम इसका आरपीएम ज़्यादा करेंगे, ये इसका आरपीएम ज़्यादा हो गया, जब हम बुड में होल करेंगे तब इसका आरपीएम ज़्यादा करना पड़ेगा, देख सकते हो कितनी जल्दी इसने होल कर दिया, बहुत जल्दी इससे हम काम कर सकते हैं। देखो अभी हम इसमें जो बड़ा वाला बिट है वो लगा के देखते हैं, 16 mm का बिट है, तो अभी हम इससे होल करके देखते हैं। देख सकते हो हम इसमें होल हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा, तो उतना ही टाइम वो बल दूसरी बल ड्रिल लेती है। इसके आरपीएम ज़्यादा है तो अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे भी बड़ा बिट लगा के देखेंगे, जो कि हमारा 18 नंबर है, 18 mm का होल। अभी इसको लगा के फिर देखते हैं कि हमारा होल अच्छे से हो सकता है नहीं हो सकता है, ये भी हम ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आती रहती है, जो कि हम काम करने की वीडियो भी डालते हैं, तो हमारे मशीन की वीडियो है वो भी हम डालते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भी होल हो चुका है, ये देख सकते हो इसमें भी होल हो चुका है। तो अभी बारी है हम लोहे में होल करके देखते हैं इससे होल हो पाता है या नहीं होता। तो ये हमारे पास पाइप है, 1 इंच का पाइप है, इसमें होल करके देखते हैं। लो भाई, ये देख सकते हो आप, होल कर दिया इसने, लोहे में भी होल कर देती है। दूसरा बिट लगाते हैं हिल्टी वाला, तो हम हिल्टी वाला भी यूज करके देखते हैं। हिल्टी का क्या होता है, जो हमने दीवार पे होल करना है तो वो भी हमारा होल हो सकता है, बहुत हैवी नहीं, जैसे बीम वगैरह होता है उसमें हम होल नहीं कर सकते, नॉर्मल दीवार में हम इसमें से होल कर सकते हैं, जो
हमने घर के लिए यूज करनी है तो उसके लिए भी बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इसने ईंट में भी आसानी से होल कर दिया है, बहुत बढ़िया होल किया है। आप देख सकते हो आपके सामने ही होल कर रही है मशीन, तो इसने होल भी कर दिया है, तो आराम से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आराम से यूज़ कर। बट इसकी जो खास बात है, जो इसके बैटरी है, जो इसकी पावर है, जो इसका टर्की है, जो इसकी ब्रशलेस मोटर है, बहुत बहुत बढ़िया है, जो वो खराब नहीं होगी, बहुत टाइम तक चलेगी। जो नॉर्मल ड्रिल मशीन होती है, जो उसकी मोटर होती है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बहुत कम टाइम निकालती है, और इसकी जो ब्रशलेस मोटर है बहुत अच्छी तरीके से चलती है। हमारे पास और भी कोल्डलेस ड्रिल मशीन है जो हम यूज़ करते हैं। एक वीडियो हमने पहले भी डाली थी कोल्डलेस ड्रिल मशीन की, आज से तकरीबन 2 साल पहले डाली थी, बट वो आज भी काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये नहीं कि वो खराब हो गई, वो काम कर रही है अच्छे तरीके से। हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें डाला था, तो हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हाँ कि बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। बाकी वो बात होती है कि 2 साल बाद में उसका बैकअप थोड़ा कम हो गया है, बैटरी बैकअप कम हो गया है, ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, बट अच्छी चल रही है, आज भी अच्छी चल रही है, हम वो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो में देखना, येलो कलर की ड्रिल मशीन है, वो हम यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो उसमें रेड लाइट आ गई है, ताकि हमारी ये चार्ज हो रही है, हमको पता चल रहा है हो रही है, बट जब हमारी ये चार्जिंग फुल हो जाएगी तो इसकी लाइट जो है वो ग्रीन हो जाएगी। तो ये 2 इंची का स्क्रू है, ये 1.5 इंची का स्क्रू है, ये 1 इंची का स्क्रू है, ये सभी हम स्क्रू लगा के देखेंगे, लकड़ी में और प्लाई में दोनों में लगा के देखेंगे। तो इसके साथ हम ये वाला डिवाल्ट का बिट है ये वाला यूज कर रहे हैं, तो अभी हम इसको टाइट कर देते हैं, हम ऐसे भी टाइट कर लेते हैं इसको। ओके, तो अभी हम इसको हाई स्पीड में ही टाइट करके देखते हैं, इसको हमने जो स्क्रू वाले पे कर दिया। ओके, तो अभी हम इसको करके दे दे। ओ भाई क्या बात है, कुछ टाइम नहीं लगाया, अभी हम 1.5 का लगा के देखते हैं। भाई देखो पावर, देखो इसका स्पीड, देखो अभी हम 2 का लगा के देखते हैं, है ना, स्पीड इसका बहुत बढ़िया स्पीड है। तो अभी हम इसको स्लो में भी यूज करके देखते हैं, अभी इससे हम खोल भी सकते हैं आराम से, बहुत ज्यादा डाइट, ये देखो। तो अभी हम इसको स्लो में करके देखते हैं, स्लो में थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात नहीं है, ये देखो, पर वर्क अच्छे से कर रहा है। तो आप ये देख रहे हो, ये हमारी प्लाई में किया हमने, तो अभी हम आपको लकड़ी में भी करके दिखाएंगे, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है थोड़ी सी, तो उसमें भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये देखो, ये 1.5 का स्क्रू, देखो भाई देखो, ये हमारा 2 इंची का स्क्रू, ये देखो क्या बात है, ये इधर से बाहर आ गया। तो अभी हम इसको फिर से खोल लेते हैं, तो ये देख सकते हो, ओपन ओपन ओपन, क्या बात है, आप देख सकते हो कुछ टाइम नहीं लगा, पहले हम तार लगाएंगे, वायर लगाएंगे, इतना झंझट, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम खुद से यूज करने के लिए ऑर्डर किए हैं, और इसको हमने ऑर्डर किया है अमेजोन से, जो हम परचेस लिंक आपको दे देंगे, इसमें आप जूस कर सकते हो, ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, आपने जूस करना है तो परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।